गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, मेरा नाम विपुल शारदा महेश्वरी है, मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। गुरु जी, मैं आपसे करीब 2 महीने पहले मिला था, तब मेरी प्रक्रिया पूरी नहीं थी। बेटा, आपने कहा था बेटा आप प्रक्रिया अपनी पूरी करिए और फिर मुझसे मिलिए। तो गुरु जी, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के लिए आया था जो मुझे करीब 20 महीने पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मैंने अपने 9 हवन भी कर लिए थे, आरोग्य भी कर लिया था, वनडे का पूरा प्रोसेस भी कर लिया है और एक रुद्र अभिषेक भी किया था मैंने बीच में, तो उसका एक बार पुण्य भी चेक कर लीजिएगा। क्यों? और बस वाइफ के लिए आया था और उसका फ़ोटो है मेरे पास। निकालो बेटा फ़ोटो, देखा तुम्हारी वाइफ। हाँ गुरु जी, बहुत बड़े लोग हैं जिनके यहाँ मेरी शादी हुई है और एक टाइम पे गुरु जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज अ प्राइम मिनिस्टर इनके घर पर आया करते थे। कोई बात नहीं, आप देखिए। ठीक है बेटा, बड़ी विचित्र कंडीशन है, आना तो चाहते हैं, कोई भी समझ नहीं पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आना तो चाहते हैं। हाँ, उसके फादर ने भी कहा है कि बेटा मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, बस तुम दोनों सही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उनको बड़ा इंसल्ट फील हो रहा है ऐसा। अच्छा, और दूसरा गुरु जी, ये जब भी गुरुजी मतलब जब भी मेरे साथ, जितने साल मेरी शादी को 14 साल हो गए और 14 साल में करीब करीब सर गुरुजी ये 6 महीने यहाँ रही है, 6 महीने वहाँ रही है, और ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको मेरे पास रहने नहीं देती? और हर और 14 साल में कुछ 14 घंटे भी ऐसे नहीं हुए जब हमारी लड़ाई ना हुई हो। हाँ, OCD थी ना बेटा, गंदगी थी ना, OCD थी इसका कारण था। अभी अगर ये आपके साथ होती, अभी यहाँ से कभी दोबारा छोड़ के जाती नहीं तुम्हें। लेकिन फिर भी अब ये काफ़ी इस कंडीशन में, ये सोसाइटियल थॉट्स आ रहे हैं इसमें खूब, इसको कि क्या कर लें, सुसाइड कर लें, क्योंकि उसका डिसीजन गलत है। अब उसको फील हो रहा है कि मेरा डिसीजन गलत था जो मैंने किया है, थोड़ा इंसल्ट सी फील हो रही है। हम जाएंगे तो मतलब इंसल्ट वाली बात होगी, ये भी हो रहा है दिमाग में। एक तरफ ये कि गिल्टी फील हो रही है कि हम, हाँ, मैंने उनके फादर साहब को ये भी कहा कि वो जब आना चाहे, जैसा आना चाहिए, जो उसकी खुशी हो वैसा आप करिए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला कि भाई अभी 1 साल मैं वेट कर लूँगा, 2 साल वेट कर लूँगा, मैं 10 साल वेट कर लूँगा, मैं वहीं पे रहूँगा, वो जब आना चाहे मेरे घर। फोटो उठाओ देखो, और इसे गंदगी लाई जाए, OCD जो पति से नफरत कराती है, और सारा क्रोध छीन लिया जाए, वो सब शरीर बाहर निकाले जाए जो पति से दूरी बनाते, पति से दूर रखने की कोशिश करते हैं, दूर रखते हैं, वो सब शरीर से बाहर निकाले खींच लाया जाए, इन सबके बच्चे सर से सुनते हैं इच्छा से सब कुछ छोटा सा आत्महत्या के विचार सब नष्ट कर लिए, शुभ नष्ट करके सब काम कर, थोड़ा सा भी हृदय में है पति पा जाने, उसी विचार को बड़ा कर दिया जाए, फैला के 100% कर दिया जाए, शुभ पति पा जाने, ऐसा भाव भर दिया, तड़पण पैदा की जाए पति के पास जाने, काम दो सक्रिय तड़पण पैदा और बेहोशी से बाहर रखा जाए इसको, अर्ध बेहोशी नष्ट कर दिया। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वही तो आप देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
खत्म, अलग हट गया। बढ़िया बेटा, खुश रहो। बाबा से प्रार्थना करना, संकल्प करना, और अच्छा अभी बहुत ठीक हुई है। अच्छा गुरुदेव जी, मेरा ये छोटा भाई है जो मतलब इसके दो बार पाइल्स का ऑपरेशन हमने करवा दिए हैं। उसको लाना चाहिए था बेटा, वो आया नहीं। वो तीसरी बार करवाने जा रहा है, तो मैंने कहा कि भाई चौथी बार हो जाएगी, स्मृति रहेगी तो फिर हो जाएगी। हाँ, तो मैंने उसको वही कहा कि भाई तुम एक बार संकल्प करा देते ला। मैंने उसको एक बार आप देख लिया, मैंने कहा भाई मैं गुरुजी से मिल लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो कराना है एक बार ले आओ, उसको लाओ एक बार। लाना थोड़ा मुश्किल, खत्म हो जाएगी, लाना थोड़ा मुश्किल है उसको। तो ऐसे नहीं होगा बेटा, रोग है, देख लेता हूँ, रोग है, स्थूल रोग है बेटा। या तो आके संकल्प करे, या उससे बोलना सैटरडे को संकल्प करे। कल हम सब कराते हैं ना संकल्प, हाँ हाँ, एक दूसरे वालों के लिए, तो उसको बोलना संकल्प करेगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और ये मेरे फादर हैं, और इनको ना मतलब हर वक्त डर लगा रहता है। कोई भी हो, केवल संकल्प और प्रार्थना। जैसे आप प्रार्थना संकल्प से अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं। ऐसे जो लोग संकल्प प्रार्थना नहीं कर पाए, केवल प्रार्थना संकल्प से ही अच्छे होंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है। अच्छा गुरु जी, मेरे जो ये पैर में मेरा लिगामेंट की मेरी सर्जरी, कुछ नहीं है, चेक कर लीजिए, थोड़ा चेक करिए, जैसे नीचे बैठता हूँ काफ़ी देर, करिए चेक करिए, अब चलिए, कोई कुछ नहीं है। लिगामेंट सब फर्स्ट क्लास है, चलें फिरें उठें बैठें सब करें, कुछ नहीं है, सब खत्म। जैसे आप संकल्प करते काफी देर जब नीचे बैठता हूँ, चाहे कुछ भी करो खत्म हो, पैर सुन हो जाते हैं, कुछ नहीं बचा। कुछ बचा है, कोई कष्ट है इसमें वर्तमान में? महसूस तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खुश हो बेटा, प्रसन्न मस्त है।